फाइनली हम लोग वहाँ तक पहुँच गए जहाँ हमने आप लोगों को लेके आया था। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा वाटरफॉल है, कितना सुंदर नजर है। तो आप लोग अंदर दीजिए, इधर देखते रहिए, बहुत ही बहुत कुछ काफी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नोटी 07 ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं मेघालय के सालांग में। तो चलिए दोस्तों, देखते रहिए। नजारा देखिए कितना सुंदर है। दोस्तों, सालांग सिंगमा वाटरफॉल पहुंचने से पहले ही एक यहाँ पर आप लोग को व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग पहाड़ का लेयर देख सकते हैं, एक के ऊपर एक, एक के पीछे एक लेयर लगा हुआ है पहाड़ का। तो दोस्तों, अभी हम फिर से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम फिर से थोड़ा दूर जाने थी हम लोग को, ऑलमोस्ट सेवन किलोमीटर मिल ही जाएगा। चलिए देखते रहिए। तो दोस्तों, फाइनली हम डेस्टिनेशन पहुँच गए। अभी उसी देर में आप लोग को जो सस्पेंस था वो दिखाने जा रहा हूँ आप लोग को। और 1 किलोमीटर है और यहाँ से आप लोग को 1 किलोमीटर हम लोग को शायद जाना पड़ेगा, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। बाइक जाएगा या नहीं तो पूछना पड़ेगा। तो बाइक जाएगा कि नहीं इस यहाँ पे पूछना पड़ेगा। वो बाइक ना, बाइक जाते हैं ओके। थैंक यू। हम लोग तो 1 किलोमीटर थोड़ा रास्ता खराब होगा, लेकिन आप लोग को जरूर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग को ऑफ रोड होके जाना पड़ेगा, और जिन लोग को भी ऑफ रोड गाड़ी चलाने का शौक है उस लोग वो लोग को यहाँ पे आके बहुत वो भी ये भी ऑफ रोडिंग का भी मज़ा ले सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग ऑफ रोड करके अभी लोकेशन पहुंच गया। फाइनली कुछ ही देर में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बाइक के लिए 20 रुपया और पर आदमी के लिए 10 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ का पार्किंग चार्ज और वाटरफॉल देखने के लिए आप लोग को 10 रुपया टिकट कटना पड़ेगा। तो चलिए हम भी टिकट लेते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को फाइनली टिकट मिल गया, हमारा टिकट हो गया, बाइक का एक्स्ट्रा करके आदमी का एक्स्ट्रा करके। तो अभी फाइनली हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है। बाहुबली फिल्म में आप लोगों को देखा होगा, ऐसा ही वाटरफॉल है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग को थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। थोड़ा आप लोग जब भी आएगा तो थोड़ा संभाल के नीचे जाना पड़ेगा आप लोग को भी। दोस्तों, घर से ही यहाँ पर चाय बना के लाया था। यहाँ पर खाने के लिए रोटी सब्जी वगैरह, यहाँ पर हम पूरा आज दिन भर यहाँ पर रहने वाले, पूरा शाम होने तक पूरा नज़ारा, वाटरफॉल का नज़ारा पूरा फुल एंजॉय करेंगे हम। तो फाइनली हम लोग वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक हमने आप लोगों को लेके आया था। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा वाटरफॉल है, कितना सुंदर नज़ारा है। तो आप लोग अंदर दीजिए,
वीडियो देखते रहिए, और भी बहुत कुछ बाकी है। दोस्तों यही है सिन्मा वाटरफॉल। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, रेनबो का मजा भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए दोस्तों रेनबो, तेज है कि आप लोग नीचे नहीं जा सकते। पानी का इतना हवा आ रहा है कि आप लोग यहाँ से खड़े नीचे भी गिर जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग पानी बहा के लेके जाएगा वहाँ से, वहाँ कैसा लग रहा है, धुआं निकल रहा है पानी से, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग पानी का हवा जो है ना वो आप लोग पी सकते हैं। गिरने के लिए आप लोग पौधा बोल के नीचे जाने के लिए जरूरत नहीं है, आप लोग सेंटीमीटर से पूरा गिर गया है। ऐसा लग रहा है वहाँ से पूरा फैन लगा हुआ है, सुंदर जैसा भी आएगा आप लोग को। हवा देखिए आप लोग, हवा देखिए आप लोग, हवा देखने को मिलेगा, पानी का जो हवा है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वाटरफॉल जो आप लोग की देख लिया, हम लोग भी खाना पीना खा के अभी दूसरा वाटरफॉल देखने के लिए अभी आप हम लोग जा रहा है, तो देखते रहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों ये वाटरफॉल आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा है। देखिए दोस्तों दूसरा वाटरफॉल यहीं से शुरू होता है, लेकिन हम लोग नीचे नहीं जा पाएंगे दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि नीचे बहुत डिस्टेंस बहुत है, इसलिए हम लोग नीचे नहीं जा पाएंगे। तो यहीं से आप लोग नज़ारा देख सकते हो। दोस्तों मेघालय में आप लोग को जितना भी वाटरफॉल देखने को मिलेगा उन सभी में से भी आप लोग को ये सिन्मा वाटरफॉल एक बड़ा वाटरफॉल है। आप लोग देख सकते हैं हमारा पीछे, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा है ये वाटरफॉल। तो पानी का पावर फ्लो कितना ज्यादा हो रहा है, ये देखिए कितना पानी का पावर कितना ज्यादा है। अगर यहाँ पे पैर रख दिया तो आपको बहा के लेके जाएगा, आप इसे इतना नहीं रख सकते, गिर जाएगा आप लोग। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट बहुत ही सुंदर जगह है, आप भी आइए कभी। और ये जगह का आप लोग का लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि हमने बोला था नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर है, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में एक्सप्लोर करने लायक बहुत की जगह है, ऐसा जगह बहुत जगह है जैसे कि अभी तक लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, तो वो जगह हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे चैनल में। तो आपको भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।